नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। लेकिन मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब ये देखिए हसमोला है। हसमोला आपको जरूर मालूम होगा हसमोला के बारे में। अच्छा आप ये देखिए, इस वीडियो क्लिप में मेरा हेयर स्टाइल काफी गंदा दिख रहा है, लेकिन मेरा वर्तमान लुक्स ऐसा है। देखिए इन दोनों में इतना ज्यादा फर्क है, यह इसलिए है क्योंकि ये लेफ्ट वाला वीडियो है ना तकरीबन 3-4 महीने पहले शूट किया था। लेकिन मेरा वर्तमान हेयर स्टाइल इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है, तो 3-4 महीने पुराना गंदा हेयर स्टाइल दिखाने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, और इसकी वजह से मुझे जज मत कीजिए। एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद बहुत ज्यादा तेज लगता है विदेशी लोगों के लिए, और आज ये हसमोला जो कि मैं भारत से लाया हूँ, यहाँ टोक्यो में रहने वाले कुछ जापानी लोगों को उनकी जिंदगी में पहली बार हसमोला का ट्राई करवाने जा रहा हूँ। मुझे तो भारतीय खानों से काफी आदत हो चुकी है, जापान में तो भारतीय खाना ज्यादा चलता ही नहीं है, और वो लोग उनकी जिंदगी में पहली बार हसमोला जिसका स्वाद बहुत ज्यादा तेज होता है, पहली बार उनकी जिंदगी में ट्राई करने जा रहे हैं, तो जरूर उनका रिएक्शन तो बहुत मजेदार होगा ही। ये काफी मजेदार वीडियो बनने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हम लोग आरंभ करते हैं। अच्छा आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, आज मैं आपको केंडली के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन का प्रयोग करने पर आप अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर कई सारे अध्यापक लोग हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, और जिन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए मैंने भी इन टीचर के साथ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया। इनका नाम अलन जी है और ये अंग्रेज से हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, इन लोगों के साथ बोलने का अभ्यास करने पर मेरी अंग्रेजी भी बेहतर हो गई। और आप देखिए इस एप्लीकेशन पर इतने सारे कोर्सेस हैं। अगर आप कुछ बिजनेस करने के लिए अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स मौजूद है। और एक बहुत अच्छा समाचार है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इस एप्लीकेशन का प्रयोग करने का जो फी है उस पर 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, और ये डिस्काउंट प्राप्त करने का तरीका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए खा के देखिए। इनको बहुत तेज लगा। चलिए खा के देखिए। でもスパイスっぽい途中から。It's nice. スパイス。ああ。おお、何これ。スパイス系。あ、ちょっと噛んでいいのこれ。ないない、バイ、イセチャバナナイオタエ。え、ちょっと梅干しの。確かに。酸っぱい感じ。最初。じゃあリアかけ、で消え。いや、舐めまめながら。えらいこれ。うわ。えらいこれ。लेकिन लेफ्ट वाले इन दोनों को काफी अच्छा लग रहा है। इनको तो बहुत ज्यादा तेज और तीखा लग रहा है। देखिए इन दोनों को भी तीखा लगने लगा। लेकिन ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको तीखा नहीं लेकिन खट्टा लग रहा है। इनके लिए जरूर बिल्कुल नए प्रकार का स्वाद था, लेकिन काफी अच्छा लगा इनको एक्चुअली। ちょっと इनको काफी अच्छा लगा, लेकिन
इन को तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। निहोंजिन यू के राज्य का तुम सबका मैंने पूछा है कि क्या ये एक ऐसा प्रकार का स्वाद है जो जापानीज लोगों को भी अच्छा लग सकता है। आपको लगता है कि ये स्वाद जापानीज लोगों को भी पसंद आएगा? ओके गाइस, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अच्छा, किनका रिएक्शन सबसे ज्यादा मजेदार लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरी हिंदी बोलने का तरीका काफी मजेदार लगता होगा जरूर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है यार, सब्सक्राइब करके घंटी भी तो बजा कर जाइएगा प्लीज। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में भी जरूर मिलेंगे। नमस्कार।